हेलो दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कनिजारो अभिक्रिया को देखेंगे, उससे क्या बनता है। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम के बेस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आने लायक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा और आप लोग इजली तरीके से इस कनिजारो अभिक्रिया को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए कनिजारो अभिक्रिया को देखते हैं। देखिए, कनिजारो अभिक्रिया में होता क्या है। कनिजारो अभिक्रिया जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र क्षार NOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब क्या बनता है, वसा अम्ल का सोडियम लवण और एल्कोहल बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, कनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें ये है क्या, देखिए, जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है क्या, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसका केमिकल रिएक्शन को बनाएंगे, ठीक है। देखिए, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड सबसे पहले किसे कहेंगे, देखिए, ये जो होता है CHO जो होता है एल्डिहाइड समूह होता है। यदि इस कार्बन को छोड़कर इसके दूसरे कार्बन में हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड कहलाएगा, ठीक है। इस कार्बन को छोड़कर यदि दूसरे कार्बन में हाइड्रोजन है तो इसको अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड कहेंगे, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड क्या होगा, देखिए, ये हो गया CHO, ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। इस कार्बन को छोड़कर यदि दूसरा ही कार्बन ना हो, ठीक है, इस कार्बन को छोड़कर यदि दूसरा कार्बन ही ना हो तो इस कार्बन में हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो इसमें डायरेक्ट आप लोग हाइड्रोजन को जोड़ दो तो ये हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इस कार्बन को छोड़कर दूसरे कार्बन में हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, और देखिए, इस कार्बन को छोड़कर दूसरा कार्बन ही नहीं है तो इसको बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, ठीक है, इसी को फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। तो चलिए इसका केमिकल रिएक्शन को बनाते हैं। अब देखिए, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को ले लेते हैं, इसके दो अणु लिया जाता है। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के दो अणु मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को सांद्र क्षार NOH की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तब क्या क्या बनता है, एक एल्कोहल बनता है और एक वसा अम्ल का सोडियम लवण बनेगा, ठीक है। तो चलिए एल्डिहाइड का दो अणु ले लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर बांड सहित आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका एक अणु हो गया, यहाँ पर भी मैं दूसरा अणु को लिख देता हूँ, ये भी है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु जो होता है वो सांद्र क्षार हैं, सांद्र क्षार NaOH की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, गर्म कराएंगे। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है NaOH, ठीक है, ये कहलाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। तो क्या क्या बनता है, देखो दोस्तों, वसा अम्ल का सोडियम लवण बनता है तथा एल्कोहल बनता है, और एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ का डबल बॉन्ड जो होता है उसमें से एक बॉन्ड को ऑक्सीजन जो है आकर्षित कर लेता है, अर्थात यहाँ का एक बॉन्ड को ऑक्सीजन खींच लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व होता है, वह साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को यदि ऑक्सीजन आकर्षित कर लेता है तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आता है, क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है और कार्बन में एक बॉन्ड की कमी हो गई है, तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। इस एल्डिहाइड में से हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन निकलेगा, और जब भी हाइड्रोजन निकलता है तो प्लस फॉर्म में निकलता है, ये जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये भी प्लस फॉर्म में निकलेगा, ये भी हाइड्रोजन निकलेगा तो प्लस फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में निकला है वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, अर्थात OH बनेगा, और ये जो हाइड्रोजन निकला है H प्लस, वो इस वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और कार्बन और हाइड्रोजन का तो मिलन होता ही है, चाहे दोनों प्लस में हो, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, इसी को मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ दोस्तों। देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH जो है तीन बार हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा CH3, ठीक है, ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा OH, अर्थात हमें क्या बन गया, ये जो एल्कोहल बन गया इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या बनता है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया,
इसको मैं मिटा देता हूँ समझाने के लिए। यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया जो कि इस पर जुड़ गया तो क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ के भी साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को है ना, ये ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीजन में क्या चार्ज आएगा भाई, माइनस चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन में प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, वैसे भी ये जो होता है, ये जो हाइड्रोजन जो होता है इस वाले बाँड से जुड़ जाता है। ठीक है, इस वाले बाँड से जुड़ेगा क्योंकि कार्बन का दो बाँध अधूरा है, तो अधूरा है तो वहाँ पर आकर ये दोनों जुड़ेगा। पहले ही बात तो ये हाइड्रोजन जो है इस वाले बाँध के साथ जुड़ जाएगा। ये देखो ये ऐसा बाँध को जोड़ दिया, और ऊपर में तो डबल बाँध है ही, और इस वाले बाँध के साथ ओ एन ए जुड़ जाएगा, ओ एन ए, इसका नाम है सोडियम फार्मेट। तो ये कुछ इस तरीका से इसका केमिकल रिएक्शन है। देखो इस यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन था, इसको मैं लिख देता हूँ। ये क्या है, फार्मेल्डिहाइड के दो अणु सांद्र क्षार NOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब क्या बनता है, वसा अम्ल बनता है जो कि सोडियम का होता है। ठीक है, और दूसरा एल्कोहल बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या अभिक्रिया कहते हैं, कनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। इसको देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको मैं यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है, इसका दो अणु या करके लिख सकते हो, फार्मेल्डिहाइड के दो अणु किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसको गर्म कराएंगे तो क्या बनता है, डायरेक्ट लिख सकते हो CH3OH, और ये H इसी को लिख रहा हूँ COONA। ठीक है, जब फार्मेल्डिहाइड के दो अणु जो होता है किसके साथ रिएक्शन करता है, सांद्र क्षार NOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब एल्कोहल बनता है और सोडियम का लवण बनता है, वसी अम्ल। ठीक है, इसका नाम है फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, और ये इसको बोला जाता है सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट। तो ये हो गया आप लोगों का कनिजारो अभिक्रिया। एक बार और लैंग्वेज को देख लो ताकि आप लोगों को दोबारा कहूँगा तो आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे कि फार्मेल्डिहाइड को सांद्र क्षार NOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब क्या क्या बनता है, एक तो वसा अम्ल का सोडियम लवण बनता है और दूसरा एल्कोहल बनता है। इसी अभिक्रिया को कनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, और ये हो गया उसका केमिकल रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आप लोगों को प्लीज़ कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेट मिलता है ताकि मैं दूसरा वीडियो और बनाऊं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।